प्रोफेसर टेक के सभी वीडियोस के अलर्ट्स पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं एंड उसके बाद नोटिफिकेशन बेल हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। Hey guys, welcome back to another new video. मैं हूँ प्रोफेसर टेक एंड दिस इज द प्रोफेसर टेक शो। एंड बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और बहुत ही खराब न्यूज़ है तुम लोगों के लिए। फिर से वही अच्छा और खराब वाला कहानी चल रहा है। एंड राइजन 4000 सीरीज यानी 4000 जी सीरीज के जो APUs हैं दे आर गोइंग टू लॉन्च टूडे। जी हाँ, आज किसी भी टाइम पे ये लॉन्च हो सकता है। एंड आई हैव सम कंफर्म न्यूज़, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशंस एज वेल। बट बुरी खबर भी है, बुरी खबर ये है कि हो सकता है रिटेल के लिए ये सारे जितने भी APUs हैं ये ना हो। तो गाइज, मैं हूँ प्रोफेसर टेक एंड दिस इज द प्रोफेसर टेक शो। तो अभी तक अगर चैनल को तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, बिकॉज अगर तुम लोग नहीं सब्सक्राइब करोगे और नोटिफिकेशन बेल हिट नहीं करोगे तो यू मे लूज आउट ऑन समथिंग, ऐसा कोई न्यूज़ जो कि आया हो। बिकॉज इंडिया में आई डोंट थिंक और कोई ऐसा चैनल है जो इतने यू नो रेगुलरली सब कुछ कवर करता है। तो लेट अस टॉक अबाउट कि ये न्यूज़ आया कहाँ से है। तो न्यूज़ आया है वीडियो कार्ड्स की तरफ से एंड उन्होंने कंफर्म किया है कि 21 जुलाई को राइजन 4000 जी के नॉन प्रो प्रोसेसर्स रिलीज होंगे। बट देयर इज अ कैच, द कैच इज कि हो सकता है ये जितने भी प्रोसेसर्स हैं ये सिर्फ OEM पार्टनर्स के लिए, उनके प्री बिल्ड सिस्टम्स के लिए रिलीज हों। एंड बहुत सारे मॉडल्स रिलीज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो कंफर्म है उसमें से 6 मॉडल्स रिलीज होंगे। तो अब स्पेसिफिकली कुछ पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स रिलीज होने वाले हैं। तो 65 वॉट्स एंड 35 वॉट्स के पावर एनवलप पे यानी TDP पे टोटल 6 APUs लॉन्च होंगे। कौन कौन से हैं? राइजन 7 4700G 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ, बेस क्लॉक है 3.6 GHz, टर्बो है 4.4 GHz, 65 वॉट्स का TDP है, वेगा के 8 कोर्स होंगे एंड GPU क्लॉक है 2.1 GHz, लाइक अमेजिंग। सेकेंड जो इसका पावर सेविंग वर्जन है राइजन 7 4700GE, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बट बेस क्लॉक इसका रहेगा 3.1 GHz, CPU का बूस्ट रहेगा 4.3 GHz, 35 वॉट का पावर एनवलप या TDP एंड GPU क्लॉक रहेगा 2 GHz पे। नेक्स्ट जो CPU है दैट इज़ द राइजन 5 4600G, 6 कोर 12 थ्रेड्स, 3.7 GHz, बेस 4.2 GHz, टर्बो एंड 7 वेगा कोर्स क्लॉकड एट 1.9 GHz। अगला है इसी का GE वर्जन जो कि 3.3 GHz बेस क्लॉक एंड 4.2 GHz बूस्ट पे 35 वॉट्स के TDP पे आएगा एंड 7 वेगा के कोर्स रहेंगे। लास्ट जो पार्ट है वो है राइजन 3 4300G, 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ, बेस है 3.8 GHz, बूस्ट है 4.0 GHz, 65 वॉट्स का TDP कंप्यूट यूनिट होंगे इसके अंदर वेगा के 6 एंड 1.7 GHz का इसका रहेगा जो वेगा का क्लॉक स्पीड है। एंड 4300GE जो है वो अगेन 4 कोर 8 थ्रेड 3.5 GHz बेस क्लॉक, 4 GHz बूस्ट, 35 वॉट्स के TDP, 6 कंप्यूट यूनिट एट 1.7 GHz। तो ये 6 CPUs लॉन्च होंगे एंड ये लॉन्च अभी इस AMD ने कंफर्म किया है जो उनके स्लाइड्स लीक हुए हैं उसके थ्रू कि 4000G सीरीज के जो सिस्टम्स है वो अभी के लिए प्री बिल्ट OEM सिस्टम्स के लिए ही है। एंड ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वेदर they will be offered to the consumer market. I know तुम लोगों के दिल टूट रहे होंगे, मेरा भी टूटा है एंड क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर रिटेल में होगा तो आई ब्रिंग वन, मैं खरीदूंगा एंड उसके बाद उसका रिव्यू मैं तुम लोगों को दूंगा। हाउएवर इट इज़ नॉट लाइकली लाइक दैट एंड लेट्स सी वेदर AMD फ्यूचर में इनको रिलीज करता है कि नहीं। लेट्स से बिकॉज 4000 सीरीज एंड 3000 सीरीज के CPUs एंड APUs आर वेरी गुड बट इनका मार्केट में अवेलेबिलिटी स्पेसिफिकली दिस APU पार्ट्स बहुत ही कम है। तो तुम लोगों को क्या लगता है AMD रिलीज करेगा कि नहीं? आई नो दे आर अ क्लियर विनर बट आई डोंट थिंक दे वांट टू ईट अप इनटू द 3000 सीरीज के जो पार्ट्स हैं उसके सेल्स को। सो दैट इज़ वाई आई थिंक ये जो है सिर्फ प्रीबिल्ट OEM सिस्टम्स के लिए या सिस्टम इंटीग्रेटर्स के लिए अभी वो दे रहे हैं। फ्यूचर में मे बी 1 महीने या 2 महीने के अंदर हो सकता है ये कंज्यूमर मार्केट में भी आ जाए। तो क्या लगता है तुमको मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में। अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल एज वेल। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बहुत सारी वीडियोस आएंगी, पक्का नोटिफिकेशन बेल हिट कर लो वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।